लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। सीएम नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा के दौरान मुंगेर, लखीसराय और जमुई का किया दौरा, विकास कार्यों का किया निरीक्षण। उपेंद्र कुशवाहा बोले, जेडीयू सीएम नीतीश का नहीं बल्कि शरद यादव की है पार्टी, उनको भगाकर किया था कब्जा। विजय सिन्हा बोले, समाधान यात्रा के बहाने जनता के पैसों पर पिकनिक मना रहे हैं सीएम नीतीश। मुजफ्फरपुर सीजीएम कोर्ट में संघ प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ परिवाद दायर। उमेश कुशवाहा का उपेंद्र कुशवाहा को चैलेंज, किसी वार्ड का चुनाव जीत कर दिखाए। जेडीयू एमएलसी राधा चरण शाह के पटना आरा समेत कई ठिकानों पर आयकर की छापेमारी। छपरा के मांझी इलाके में हालात नॉर्मल, डीएम और एसपी के नेतृत्व में किया गया फ्लैग मार्च। कटिहार में भोज का खाना खाने के बाद पूरा गांव बीमार, 3 की हालत गंभीर। गया में 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया घुसखोर बीईओ। आरा में फरमाइश गाने पर डांस करने को लेकर हुए झगड़े में जूनियर इंजीनियरिंग की गोली मारकर हत्या। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा के तहत मुंगेर, लखीसराय और जमुई का किया दौरा। मुंगेर के समाहरणालय में मंत्री और अधिकारियों के साथ नीतीश कुमार ने विकास योजनाओं की समीक्षा की और इसके साथ ही सीएम ने गुलालपुर में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन प्लॉट का उद्घाटन किया। और मुंगेर दौरे के बाद सीएम नीतीश लखीसराय के सूर्यगढ़ा प्रखंड के अमरपुर पहुंचे, वहां सरदार पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देने के साथ ही विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया। वहीं सीएम नीतीश ने शेखपुरा जिले के मासार गांव में विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया और ट्रायल साइकिल का वितरण भी किया। उपेंद्र कुशवाहा का सीएम नीतीश पर हमला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। एक बार फिर उन्होंने सीएम नीतीश पर हमला करते हुए मंगलवार को कहा है कि जेडीयू किसी एक पार्टी की नहीं है, करोड़ों लोगों की पार्टी है और जेडीयू नीतीश कुमार जी की पार्टी नहीं है बल्कि शरद यादव की पार्टी है। शरद यादव जी ने पार्टी को बनाने का काम किया था, क्षमता पार्टी बनी थी जो कि नीतीश की पार्टी बनी थी और साथ ही शरद यादव को भगाकर जेडीयू पर कब्जा किया गया। एक तरफ जहां सीएम नीतीश कुमार ने आज समाधान यात्रा के दौरान मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने समाधान यात्रा को लेकर सीएम पर जमकर हमला बोला है और विजय सिन्हा ने कहा है कि सीएम की समाधान यात्रा का मकसद वास्तव में जन कल्याण की बजाय जनता के पैसों पर पिकनिक मनाना है और लोग नीतीश कुमार से उब चुके हैं, उनसे लोग नफरत करने लगे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अत्याचार से लोग पीड़ित हैं। आपके हस्तिनापुर के गुलामों के कारण बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। मुंबई में रविदास जयंती के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा जाति को लेकर दिए गए बयान को लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सीजीएम कोर्ट में परिवाद दायर किया गया और साथ ही यह परिवाद अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने दायर करवाया है। बता दें कि 5 फरवरी को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में रविदास जयंती के मौके पर कहा था कि हिंदुओं में जाति का जो विभाजन किया गया वह ब्राह्मण पंडितों के द्वारा किया गया है। इस मामले पर कोर्ट में 20 फरवरी को सुनाई की जाएगी और आरएसएस के प्रमुख भावनाओं पर आहत करने का आरोप लगाया गया है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जेडीयू में मचा घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अब जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा को तगड़ा जवाब दिया है और साथ ही उमेश कुशवाहा ने कहा है कि हम अपनी पार्टी से किसी को धक्का देकर नहीं निकालते हैं, उपेंद्र कुशवाहा पर कार्रवाई बहुत जल्द करेंगे। और उमेश कुशवाहा ने कहा कि उपेंद्र जी को राजनीतिक ज्ञान नहीं है, वो अपने परिवार के अलावा वो किसी के बारे में नहीं सोचते। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा बुलाए गए बैठक को लेकर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की बैठक में पार्टी के नेता शामिल नहीं होंगे और साथ ही उपेंद्र कुशवाहा जी के अंदर अब नैतिकता नहीं बची है। इसके साथ ही उमेश कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा को चुनौती देते हुए कहा है कि वो किसी एक वार्ड सदस्य का भी चुनाव लड़के देख ले, सब पता चल जाएगा। जेडीयू एमएलसी राधा चरण शाह और उनसे जुड़े दूसरे लोगों के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। राजधानी पटना के अलावा आरा और यूपी, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में राधा चरण शाह और उनके पार्टनर्स के 18 ठिकानों पर आयकर की टीम ने रेड डाली है। आरा में उनके 4-5 स्थानों पर तलाशी अभियान चला है। ये कार्रवाई मंगलवार सुबह 8 बजे से शुरू की गई थी और इसके अलावा पटना के बड़े बालू कारोबारी और माफिया अशोक कुमार के यहाँ छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स के बिहार
और झारखंड इंटेलिजेंस टीम की ओर से कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पटना, मनाली, नोएडा, हरिद्वार, गाजियाबाद, दिल्ली और आरा में ये ठिकाने बताए जा रहे हैं। छपरा के मांझी इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। मंगलवार को डीएम और एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। बता दें कि युवक की पीट पीट कर हत्या के बाद बवाल को कम करने के लिए जिले में सोशल साइट्स पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं मांझी और एकमा प्रखंड में धारा 144 भी लगाया गया है और साथ ही पुलिस इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी अजय यादव अब भी फरार है और पकड़ने के लिए एसटीएफ की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। कटिहार के विषहरिया में श्राद्ध का भोज खाने के बाद गांव के 125 लोग बीमार पड़ गए हैं। सभी लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं और साथ ही बीमार लोगों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं 3 को पूर्णिमा रेफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि कोड़ा प्रखंड के विषहरिया पंचायत अंतर्गत सिसिया गांव में निरंजन प्रसाद सिंह के घर श्राद्ध का भोज था। इसमें गांव के करीब 150 से अधिक लोग आमंत्रित थे और भोज में चावल, दाल, सब्जी और दही का प्रबंध था। रात में खाने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए, जिसके बाद मंगलवार की सुबह से ही भोज खाने वाले सभी लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। लोगों ने पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत की, जिसके बाद सबका इलाज कराया गया। गया जिले के टिकारी प्रखंड में घुसखोर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निगरानी की टीम ने 50,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी बीओ टिकारी प्रखंड में पोस्टेड था। बताया जाता है कि बीओ ने एक शिक्षक से रिश्वत की मांग की थी। उससे काफी परेशान होकर पीड़ित शिक्षक ने बीओ की शिकायत पटना निगरानी विभाग के सामने कर दी। वहीं शिकायत मिलते ही निगरानी की टीम ने इसे सत्यापित किया और फिर मंगलवार को बीओ के खिलाफ कार्रवाई के लिए गया जिले के टिकारी प्रखंड पहुंच गए, जिसके बाद निगरानी की टीम ने कार्रवाई करते हुए 50,000 की रिश्वत के साथ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी संजीव कुमार को गिरफ्तार किया है। भोजपुर में शादी के दौरान पसंद का गाना नहीं बजने पर डांस कर रहे युवकों ने रेलवे के जूनियर इंजीनियरिंग को गोली मार दी। 23 साल के अभिषेक कुमार बनारस में रेलवे में जूनियर इंजीनियरिंग के पद पर पोस्टेड थे और 1 साल पहले ही अभिषेक की नौकरी लगी थी। मामला कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के जगतपुर पकड़ी गाँव का है। बताया जाता है कि गाँव के उमेश कुमार सिंह के बेटे 23 वर्षीय अभिषेक कुमार सिंह उर्फ भास्कर शादी में शामिल होने आया था। वहीं हत्या के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।